अखंड सौभाग्यवती भव। खुश रहो बेटा, मन जो अपना ख्याल रखना, खाना पीना सोना सब कुछ समय पर करना। हाँ हाँ मंजू, अब हम में से वहां कोई नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें अपना दुगना ख्याल रखना होगा। बाबा आई, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पर मेरी आई होगी ना मेरी चिंता करने के लिए, मेरा ख्याल रखेगी वो। आई आई मैं रोज आता रहूंगा आपसे मिलने। वैशु, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, रिश्ता तोड़कर नहीं। इस घर की सारी जिम्मेदारी आज भी मेरी जिम्मेदारी है और तेरी शादी भी मैं ही कराऊंगा। और तेरी शादी मैं इतने धूमधाम से कराऊंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तूने आज जो किया ना वो बिल्कुल ठीक किया, बहुत जरूरी था वो। आत्या, बाबा आप दोनों क्यों रो रहे हो? हम दोनों तो छुट्टियां के लिए जा रहे हैं, हम कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है? नहीं बेटा, हम लोग छुट्टियों के लिए नहीं जा रहे हैं, हम ये घर छोड़ के हमेशा के लिए दूसरे घर में जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं आऊंगी, अगर हम जाएंगे तो आज ही अजूबा या सबके साथ जाएंगे। बेटा ये नहीं हो सकता। क्यों? अगर सब लोग हमारे साथ वहां चले जाएंगे तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? हाँ इस घर का ख्याल रखने के लिए आजी आत्या आजोबा ये सब इस घर में रुक रहे हैं। और हाँ पुन्नी, हम रोज उनसे मिलने के लिए आया करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा, क्योंकि बेटा तुम्हारी तरह मैं भी इन सबसे दूर नहीं रह सकता। और अर्चू, अब से इन सब का ख्याल तुझे रखना है, आई बाबा का, इस घर का। दादा आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर नए घर में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वहिनी अपना ख्याल रखिएगा। विनोद चलो, देर हो रही है। चल पुन्नी चल। ताई, आप सब लोग यहाँ पे इस तरह क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं? दादा और वहिनी घर छोड़ के चले गए। क्या? लेकिन दादा तो आज नहीं जाने वाले थे, तो फिर इस तरह अचानक क्या हुआ? वर्षु बेटे तू पहले अंदर चल। लेकिन अर्चू वैशाली तुम भी अंदर चलो, देखो जो कुछ भी बातें करनी है ना वो हम अंदर चलकर करेंगे। वर्षु तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, यहाँ कैसे? मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आ रही थी,
तो मैंने सोचा दो चार दिन के लिए यहाँ पर आ जाऊं। पता नहीं वहिनी की आई को क्या प्रॉब्लम है हमसे, क्या दुश्मनी है हमसे आई। पहले तो अर्चुता की जिंदगी बर्बाद की, फिर वर्षुता और उसकी सास के बीच में झगड़ा करवाया, और अब हमारे दादा को भी हमसे अलग कर दी। बस करना वैशु, इस बारे में जितनी बहस करनी थी वो कर चुके हैं हम। अब और नहीं, मुझे तो चिंता हो रही पुन्नी की। पता नहीं विनोद उसे कैसे समझाएगा, क्या बताएगा। मैंने तो अपने मन को समझाया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अगर नहीं भी होता है तो भी यही मानकर चलने में समझदारी है ना। अर्चु चल बेटा, अंदर चलकर खाना बनाते। आज कुछ खाना बनाया ही नहीं हमने। चल वर्षु, तू तो कह रही थी कि तू यहां दो चार दिन रुकेगी, तो तेरा सामान कहाँ है? मेरा मतलब है कपड़े वगैरह। आई, मैंने सोचा यहाँ पर वैशु के ड्रेसेस हैं, ताई की साड़ियां हैं, तो कपड़े लाने की क्या जरूरत है। अर्चना, श्रावणी तुम बस अर्चना, हद हो गई। अब तो मेरे पास ऐसा कोई सवाल ही नहीं बचा जो मैं तुमसे पूछ सकूं। श्रावणी, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह। समझ तो मैं नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम और तुम्हारा ये परिवार चाहता क्या है। अर्चना, कल मेरी शादी होने वाली है और आज मुझे लग ही नहीं रहा है कि मानव मेरे होने वाले पति है। मुझे आज भी यही लगता है कि मानव तुम्हारे एक्स पति है, जो कि तुम में, तुम्हारे इस परिवार में और उन सबकी उलझनों में उलझे हुए हैं। अरे, कब तक तुम मानव को अपने पल्लू में बांध के रखोगी? अर्चना, मानव से मेरी शादी होने वाली है, अब तो छोड़ दो उन्हें, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। श्रावणी, ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वर्षा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम इस अर्चना की छोटी बहन हो। नाटक करने में तो माहिर होगी ना? श्रावणी, चिल्लाओ मत। अरे, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे पति के साथ है तो उससे सुलझाने के लिए मानव को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है वहाँ मेरे पापा के घर पर कितने मेहमान इंतजार कर रहे मानव से मिलने के लिए, मेरे होने वाले पति से मिलने के लिए। और मानव उन्हें अहमियत देने के बजाय तुम्हारे इन घरेलू झगड़ों को अहमियत दे रहे थे। इन सब का मतलब क्या है वर्षा? और अर्चना, तुम मेरी इस बात को ध्यान से सुन भी लो और समझ भी लो, अब भी समय है मानव को पाने के लिए अपने ये घटिया पैतरे बंद करो। कल मेरी और मानव की शादी है, और अगर तुमने उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वर्षा, तुम्हारे और सतीश के बीच में कुछ? आई, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी।
हेलो, हाँ वर्षा, बात हुई क्या सतीश से? मैंने ये सब बात करने के लिए आपसे फोन नहीं किया। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टली आपसे बात करना ठीक होगा या नहीं, लेकिन मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, इसलिए। क्या हुआ वर्षा, बोलो ना। लोग कहते हैं अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करते तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होता, लेकिन हमारी कोई गलती न होते हुए भी हम तो पल पल भुगत ही रहे ना जीजू। एक तरफ आपकी और अर्चुते की दूरियां, दूसरी तरफ मेरे और सतीश के बीच में झगड़े, और अब दादा को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, और ये सब क्या कमता की ऊपर से श्रावणी? उसे यहाँ पर आकर मेरे और सतीश के झगड़े के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? आखिर जाती क्या है वो? मैं, अर्चुते, हम सब ये घर छोड़कर, ये शहर छोड़कर यहाँ से चले जाए, लेकिन क्या उसके बाद भी उसकी इनसिक्योरिटीज कम होंगी? नहीं वर्षा, वर्षा सुनो मेरी बात, सुनो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या करना है। बताने में बहुत देर कर दी, हमेशा की तरह किसी काम में फंस गए थे। सर, श्रावणी कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। श्रावणी अपने कमरे में, जाओ ना। क्यों गए थे तुम अर्चना के घर? तंग आ गया हो तुम्हारे शक से और तुम्हारी गलतफहमी से। यहाँ पे हर चीज तुम्हारे मुताबिक चल रही है, सब कोई तुम्हारी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें शिकायत है। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारी जिस खुशी के लिए काम कर रहे हैं तुम उस खुशी के लायक ही नहीं हो। मानो चुप रहो, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहो तुम। जिस लड़की ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया तुम्हारे भविष्य के लिए, मत कैसे हो उसके घर जाके उसे खड़ी खोटी सुनाने की? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है बात बताने में। तुम सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी हो, और मैं तुमसे शादी भी सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ना ही मैंने तुमसे कभी प्यार किया था और ना ही कभी करूंगा। मैंने सिर्फ अर्चना से प्यार किया है और जिंदगी भर सिर्फ उससे प्यार करता रहूंगा। मुझे लगता है इस बार तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अर्चना, कल मेरी शादी होने वाली है और आज मुझे लग ही नहीं रहा है कि मानव मेरे होने वाले पति है। मुझे आज भी यही लगता है कि मानव तुम्हारे एक्स पति है। कल मेरी और मानव की शादी है और अगर तुमने उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बिना हरा दिया मुझे, मेरा और मेरे बच्चे का भविष्य खत्म कर दिया तुमने। हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, मुझे उस हर एक पल में लगता है कि हम रावणी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और इस विश्वासघात का पाप मैं जिंदगी भर अपने सर पर नहीं उठा सकती। इसलिए आज के बाद ना ही हम कभी मिलेंगे और ना ही हम कभी बात करेंगे। चले मानो, बहुत देर हो रही है और गिनीशी का फोन आ रहा है बार बार। दामोदर, दामोदर अरे देख, मानो भी तैयार होके आ गया। जाओ तू भी जाके तैयार हो जाना जल्दी। अरे तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा क्या? नहीं दादा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अरे मानो, मानो तू समझा इसे। आओ, ऐसा क्या करता, चलो ना तैयार हो जाओ ना। नहीं आई, रहने दे। अगर बाबा नहीं जाना चाहते तो कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं करेगा। तू और अर्चना एक हो जाए, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, और मैं आखिरी सांस तक वो सपना देखता ही रहूंगा। चल। जानती हूं मैं क्यों नहीं आ रहा हूं, मैं ये शादी होते हुए नहीं देख सकता। आपको क्या लगा आप नहीं आओगे तो ये शादी नहीं होगी? अगर पापा की मर्जी है ना तो शादी होकर ही रहेगी। नहीं, मुझे यकीन है ये शादी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। लो आ गए। आज का दिन देखना सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि श्रावणी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद मैं तो हिम्मत ही हार गया था। तुमने मेरी बच्ची को अपना कर मुझे इस दुनिया की सारी खुशियां दे दी हैं। मारा मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसा दामाद मिला।
शायद ही कोई दूसरा हो इस दुनिया जो तुम जितना अच्छा हो माना। याद है तुझे जब अर्चना और मानव की शादी हुई थी सब लोग कितने खुश थे। आज तो यहाँ शादी हो रही है लेकिन खुशी किसी के चेहरे पर भी नहीं है। पता नहीं भगवान भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। गिरीश काका, पंडित जी बुला रहे हैं। शादी का शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। वाइने को कहिए श्रावणी को बुला लें। जी ठीक है, मामा जी को भी लेते हैं। जी दादा, गिरीश जी इतने परेशान क्यों हैं? रुको मैं देख के आता हूं। जी इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? वो श्रावणी घर छोड़ के चली गई है। चली गई मतलब? गिरीश जी क्या हो गया? कहाँ गए श्रावणी? जरा खुलकर बताइए ना। सर आपने ठीक से देखा? एक मिनट रुके मैं देख के आता हूँ। माना वो श्रावणी घर पे नहीं है, वो एक खत छोड़ के गई। पापा, मुझे पता है मैं आपको बड़ी मुश्किल में डालकर जा रही हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। अपने आप को मानव पर थोपना नहीं चाहते। वो अर्चना के साथ ही खुश रह सकते हैं तो ठीक है, उन्हें एक हो जाने दीजिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ जब तक मैं चली नहीं जाती ये उलझन नहीं सुलझेगी, इसलिए मैं जा रही हूं। मानो किसी भी हालत में हमें श्रावणी को ढूंढ निकालना है। एक तो उसका 8वां महीना चल रहा है, उसको कुछ ऊंच नीच हो गया तो। मैंने कुछ लोगों को भेजा उसे ढूंढने के लिए, कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उसने इस तरह का एक्शन लिया कैसे। मानव, मानव वो श्रावणी अभी चली गई। आई मैं जानती हूँ, मुझे श्रावणी का फोन आया था और मुझसे वो यही कह रही थी कि
वो हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। तो वो मंडप छोड़कर नहीं गई, जाते समय लिख कर गई है कि मानव की जिंदगी में तेरा क्या स्थान है। लेकिन आई मैं कितने दिनों से बाकी था, रावणी जान चुकी है मानव की जिंदगी में तेरा क्या स्थान है। मानव तेरे ही साथ खुश रह सकता है। हमें तो पहले ही एहसास हुआ था, मेरी समझ में नहीं आता श्रावणी को क्यों नहीं हुआ। या ऐसे भी हो सकता है कि एहसास हुआ होगा लेकिन उसकी मजबूरी के लिए वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन आज उसने सही फैसला किया है। अभी बारी है तुम दोनों की, तुम दोनों का सही फैसला लेना। मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हैं, श्रावणी का भविष्य, उसके बच्चे का भविष्य। अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं दोनों को संभालने के लिए तैयार हूं। अरे मैं ही क्यों, तुम दोनों तो है ना उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। बच्चा हमारे घर में पलेगा, तुम्हारा बन के पलेगा, उसका रिश्ता सिर्फ अलग होगा, माना उसका बाप नहीं उसका काका होगा। मैंने कहा ना मुझे बोलने दे। देख अर्चना, किसी की जिम्मेदारी लेते हुए दूसरे किसी पर अन्याय हो ये अच्छी बात नहीं है। तू श्रावणी की मदद करके अपने आप पे, मानव पे, हम सब पे कितना अन्याय कर रही थी। आज तुझे इस अन्याय को दूर करना होगा। हम श्रावणी को ढूंढ निकालेंगे और तू उसे जितनी खुशी देना चाहती है उतनी खुशी देंगे। श्रावणी मेरे सचिन की अमानत है, वो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं सविता जी, श्रावणी जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अपनी एक बच्ची की जिंदगी संवारने के लिए आपके दो दो बच्चों की जिंदगी बर्बाद भी नहीं होने दे सकता। आज तक मैं हमेशा यही चाहता था कि मानव अर्चना को छोड़ के श्रावणी को अपना ले। लेकिन आज आज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। अब जब वो ही उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती तो भला मैं कौन होता हूँ उन्हें अलग करने वाला। और शायद मानव और रचना का मिलना ही इस कहानी का अंत हो। आज तू कुछ नहीं बोलेगी, तू जब बोलती है बात को बिगाड़ देती है। मैं जो कर रही हूं करने दे। ले मानो, ये ले सिंदूर और भर दे अर्चना की माँ।